हेलो स्टूडेंट, माय सेल्फ ड्यूटी अंजलि इन स्टैंडर्ड 3 ईवीएस चैप्टर 12 फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। इन प्रीवियस वीडियो वी हैव कंप्लीटेड अवर चैप्टर एंड नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू अवर एक्सरसाइज। सो हियर फर्स्ट ए टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, तो हमें यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है उसमें जो सही ऑप्शन है उसके आगे टिक करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ईद उल फितर इज अ फेस्टिवल। ऑप्शन फर्स्ट, नेशनल, रिलीजियस एंड हार्वेस्ट। तो ये जो फेस्टिवल है ईद उल फितर, वो नेशनल फेस्टिवल है, रिलीजियस फेस्टिवल है कि हार्वेस्ट फेस्टिवल है? तो हमें पता है ये जो है वो सिर्फ स्पेशल जो रिलीजियस के लोग होते हैं वो सेलिब्रेट करते हैं। तो ये क्या हुआ, रिलीजियस फेस्टिवल हुआ। नेशनल फेस्टिवल तो कौन कौन से थे, गांधी जयंती, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे। एंड जो हार्वेस्ट फेस्टिवल थे वो कौन से थे, बिहू, ओनम एंड पोंगल। तो ये ईद उल फितर इज अ फेस्टिवल ऑफ अ रिलीजियस। तो हियर आंसर इज अ बी, रिलीजियस। सेकंड है, द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन केरला इज, ऑप्शन ए गुरपुरा, ऑप्शन बी दिवाली, ऑप्शन सी ओनम। तो जो फेस्टिवल होता है सेलिब्रेटेड केरला में वो कौन सा है? ये तीनों ऑप्शन जो हमें ये दो ऑप्शन है वो कौन से ऑप्शन है, तो हार्वेस्ट फेस्टिवल के है, और जो ये दिवाली है वो रिलीजियस फेस्टिवल है। तो हार्वेस्ट फेस्टिवल जो होते हैं वो स्पेशल रीजियन में सेलिब्रेट होते हैं, जो रिलीजियस फेस्टिवल होते हैं वो स्पेशल रिलीजियन के पीपल सेलिब्रेट करते हैं, और जो ये है वो स्पेशल प्लेस पे रीजियन में सेलिब्रेट होते हैं। तो ये गुरपुरब और ओनम, तो इन दोनों में से कौन सा फेस्टिवल है जो केरला में सेलिब्रेट होता है? सो यर आंसर इज ओनम। जो ओनम है वो कहाँ पे सेलिब्रेट होता है, ये जो गुरपुरब है वो भी कौन सा है, रिलीजियस फेस्टिवल है, और दिवाली भी रिलीजियस फेस्टिवल है, लेकिन जो ओनम है वो हार्वेस्ट फेस्टिवल है, और हार्वेस्ट फेस्टिवल स्पेशल रीजन में सेलिब्रेट होते हैं। तो केरला में कौन सा होता है, ओनम। तो आंसर इज ऑप्शन सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 3, रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 अगस्त, 26 जनवरी एंड 2 अक्टूबर। तो जो रिपब्लिक डे होता है वो कौन से डे पे सेलिब्रेट होता है, 15 अगस्त पे कौन सा डे सेलिब्रेट होता है, इंडिपेंडेंस डे। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे एंड 2 अक्टूबर को गांधी जयंती। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, बी 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, गांधी जयंती इज सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर, 15 सितंबर और 1 जनवरी। तो जो गांधी जयंती होती है वो कब सेलिब्रेट की जाती है, तो 2 अक्टूबर, 15 सितंबर और 1 जनवरी को कोई भी फेस्टिवल नहीं होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ए 2 अक्टूबर, गांधी जयंती इज सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर। तो यहाँ पे जो हमने 4 क्वेश्चन दिए वो आपको टेक्स्ट बुक में उस आंसर को टिक करके नोटबुक में फिर लिख देना है। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू वी सेलिब्रेट फेस्टिवल्स? तो हम फेस्टिवल्स को कैसे सेलिब्रेट करते हैं, तो जैसे वी सेलिब्रेट फेस्टिवल्स विथ न्यू क्लोथिस। जब भी फेस्टिवल्स होते हैं हम नए कपड़े पहनते हैं, स्पेशल फूड डिशेस बनाते हैं, लॉट्स ऑफ फन विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स, और फ्रेंड और फैमिली के साथ मजे करते हैं, डांस करते हैं। जो भी अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं हमको उस तरह से उसको सेलिब्रेट करते हैं। देन सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाई इज दिवाली कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ अ लाइट्स? तो दिवाली को फेस्टिवल्स ऑफ लाइट्स क्यों कहते हैं, क्यों, क्योंकि बिकॉज पीपल डेकोरेट देयर हाउसेस विथ लाइट्स, दियास एंड कैंडल्स। तो जो दिवाली फेस्टिवल जब भी होता है तो लोग उसे कैसे सेलिब्रेट करते हैं, तो उसको अपने पूरे घर को लाइट्स कैंडल्स के साथ दिया वो सबसे डेकोरेट करते हैं, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड अ फेस्टिवल्स ऑफ अ लाइट। थर्ड क्वेश्चन इज, वाई इज गुरपुरब सेलिब्रेटेड एंड हाउ? तो जो गुरपुरब फेस्टिवल्स है वो क्यों सेलिब्रेट होता है और कब सेलिब्रेट होता है? तो जो गुरपुरब है वो हमें पता है कि इट इज वो जो क्यों सेलिब्रेट करने को आता है, तो मार्क द बर्थडे ऑफ 10 सिख गुरुज। जो 10 सिख गुरुज थे उनके बर्थडे के दिन ये फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है। और क्यों, तो और कैसे सेलिब्रेट करते हैं लोग उसे, तो पीपल गो टू प्रे एट द गुरुद्वारा, जो उनका गुरुद्वारा होते हैं वहां पे जाकर वो प्रे करते हैं। एंड जो फ्री मील होता है वो सर्व ऑन दिस डे, फ्री मील सबको वो खिलाते हैं, और जो इस ये जो मील होता है उसको स्पेशल नाम भी दिया गया है, उसको क्या बोलते हैं, लंगर, इट्स कॉल्ड अ लंगर, एंड सब एक साथ मिलकर खाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है,
वाई डू पीपल डू ऑन अ बिहू एंड पोंगल, तो वॉट डू पीपल डू ऑन अ बिहू एंड अ पोंगल, तो जो बिहू और पोंगल फेस्टिवल्स है वो दोनों क्या है, हार्वेस्ट फेस्टिवल है, और हार्वेस्ट फेस्टिवल में लोग क्या करते हैं बिहू और पोंगल के में, तो जो बिहू फेस्टिवल में क्या होता है, जो वुमेन्स होती है वेयर अ ब्राइट सारीज एंड अ डांस टूगेदर ऑन अ बिहू एंड ऑन अ पेंगल, स्काउस आर फेड विथ अ पेंगल पोंगल राइस। तो जो बिहू में क्या होता है, जो लोग वुमन्स होती है वो ब्राइट साड़ी पहनते हैं और वो सब डांस करते हैं साथ में, और पोंगल्स में क्या होता है, जो काउस होती है उनको खिलाया जाता है, जो पोंगल्स राइस होते हैं वो खिलाए जाते हैं। तो इस तरह से ये दो फेस्टिवल्स है बिहू एंड पोंगल, हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाई डू वी सेलिब्रेटेड इंडिपेंडेंस डे, तो इंडिपेंडेंस को हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, बिकॉज ऑन दैट डे इंडिया गॉट अ फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल ऑन 15 अगस्त 1947, दैट्स व्हाई वी सेलिब्रेटेड इंडिपेंडेंस डे, क्योंकि उस दिन हमारे भारत को आज़ादी मिली थी, उस दिन से जो भारत के लोग थे वो आज़ाद हुए थे, उसी दिन से इस डे को इंडिपेंडेंस डे एज अ सेलिब्रेट किया जाता है। तो अब ये जो फाइव क्वेश्चन है वो आपको अपनी नोटबुक में लिख देना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू वी सेलिब्रेट फेस्टिवल्स, सो वी सेलिब्रेट फेस्टिवल्स विथ नाउ न्यू क्लोथीज स्पेशल फूड एंड लॉट्स ऑफ फन विथ अ फैमिली एंड फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम जो फेस्टिवल्स होते हैं उनको सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज दिवाली कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, बिकॉज पीपल डेकोरेट देयर हाउसेज विथ लाइट्स दियास एंड कैंडल्स, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, क्योंकि उसमें पूरे घर को लाइट से सेलिब्रेट किया डेकोरेट किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन, वाई इज गुरुपुरब सेलिब्रेटेड एंड हाउ, तो गुरुपुरब को कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, इट इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द बर्थडे ऑफ 10 Sikhs गुरुज एंड टू सेलिब्रेट पीपल गो टू प्रे एट द गुरुद्वारा, अ फ्री मील इज सर्व्ड ऑन दिस डे कॉल्ड अ लंगर एंड ईट टुगेदर, तो उस दिन वो 10 Sikhs गुरु का बर्थडे के दिन वो ये सेलिब्रेट करते हैं और फ्री जो मील सर्व किया जाता है उसको स्पेशल नाम भी दिया गया है लंगर, और वो सब एक साथ खाना खाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, वॉट डू पीपल डू ऑन बिहू एंड पोंगल, बिहू और पोंगल फेस्टिवल दोनों हार्वेस्ट फेस्टिवल है और इस दोनों फेस्टिवल्स में लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं, सो वुमन वेयर अ ब्राइट साड़ीज एंड डांस टूगेदर ऑन बिहू एंड ऑन अ पोंगल काउस आर फेड विथ अ पोंगल राइस, तो बिहू में लोग जो वुमन्स होती है वो साड़ी पहनती है और डांस करते हैं वो सब साथ में, और ऑन पोंगल काउ फेड विथ अ पोंगल राइस, पोंगल में क्या होता है काउ को पोंगल राइस खिलाए जाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, Why do we celebrate Independence Day? तो Independence Day हम क्यों celebrate करते हैं? Answer is, India got a freedom from British rule on 15 August 1947. India को freedom मिला था उस दिन 15 August 1947 को, that's why it is celebrated as a Independence Day. तो ये जो फाइव क्वेश्चन है वो पांचों के पांचों आपको अपनी नोटबुक में लिख देने हैं। Next है exercise C. Differentiate between Diwali and Holi, Bihu and Pongal, Gurpurab and Christmas and 15 August and 26 January. तो ये जो है दो दो फेस्टिवल्स हमें दिए हैं उनके बीच का डिफरेंस लिखना है। तो फर्स्ट है दिवाली एंड होली, तो दिवाली एंड होली में डिफरेंस क्या है, सो फर्स्ट दिवाली एंड होली, सो दिवाली एंड होली के बीच में क्या डिफरेंस है, Diwali is a festival of lights when Holi is a festival of colors and Diwali celebrated to mark the return of Lord Rama to Ayodhya after spending 40 years of exile in a forest and when Holi celebrated marks the end of the spring season. So here Diwali and Holi, Diwali is a festival of lights, it is celebrated to mark the return of Lord Rama to Ayodhya after spending 40 years of exile in a forest. Holi, Holi is the festival of a color, it marks the end of the spring season. Holi ko spring season ke end mein celebrate kiya jata hai. Next is Gurpurab and Christmas. So Gurpurab is celebrated by the Sikhs. It marks the birthday of 10 Sikh gurus. When Christmas is the festival of the Christians. ये जो है वो सिख लोग celebrate करते हैं जबकि ये Christians लोग celebrate करते हैं. And it is celebrated every year
on 25th of December as the birthday of Jesus Christ. Next is different Bihu and Pongal. Bihu is a harvest festival. These both are a harvest festivals. Bihu is a harvest festival celebrated in Assam. When Pongal is a harvest festival of a Tamil Nadu. Pongal जो है वो तमिलनाडु में celebrate होता है when Bihu is a celebrated in Assam. This festival is held in mid April and continues for a month. ये festivals mid April में शुरू होता है and in the end of this month ये continue रहता है. And Pongal is a celebrated for a 3 days. Pongal जो होता है वो 3 दिन तक celebrate किया जाता है. Next है 15 August and 26 January. 15 August, India got freedom from British rule on 15 August 1947. तो इंडिया को इस दिन फ्रीडम मिली थी ब्रिटिश रूल से 15 August 1947 को. So every year this day is celebrated as the Independence Day. So every year इस डे को as a Independence Day celebrate किया जाता है. Next है 26 January. India become a republic on 26 January 1950. That's why this day is celebrated as the Republic Day every year. तो India इस दिन republic हुआ था इस दिन को as a Republic Day celebrate किया जाता है. तो ये exercise भी आपको अपनी notebook में लिख देनी है. So and here we have given a creative skill. Think and name of the following picture using the clues given below. तो यहाँ पे हमें pictures दिए और clue दिए. दिवाली, Christmas, Independence Day and Gurpura. तो एज अ वी कैन हियर सी कि दिस इस पिक्चर के नीचे क्या आएगा इंडिपेंडेंस डे वी आई कैन सी हियर होस्टेल फ्लैग इवन हियर देन है दिवाली तो हियर इज गिवन अ दिया सो इट इज अ हियर आंसर विल बी दिवाली एंड दिस इज कॉल्ड गुरपुरब क्योंकि उस दिन क्या होता है सब जो सिक्स होते हैं एक साथ मिलकर खाना खाते हैं जिसे हम लंगर भी बोलते हैं एंड दिस वन इज अ क्रिसमस सो यहाँ पे क्या आएगा हम पिक्चर देख के ही बता सकते हैं क्रिसमस गुरपुरा दिवाली एंड इंडिपेंडेंस डे तो ये भी आपको लिख देना है सो हियर अवर चैप्टर 12 फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया इज ओवर एंड यहाँ पे जो पूरी एक्सरसाइज हमने देखी वो आपको अपनी नोटबुक में लिख देनी है वीएस की एंड द नेक्स्ट चैप्टर वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो